व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप करता हूँ सब लोग घर पे अपने अपने सेफ हो, चीजें खुल रही हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं लपक के बाहर कहीं कूदने लग जाओ, स्टे होम, धीरे धीरे निकलो, ऐसे नहीं कि एक समय निकलो। सो यार ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। मेरे दोस्त शिवम, शिवांश, उसके और दो दोस्तों की ये स्कूल लाइफ की वीडियो है, वो अपनी मेमोरी शेयर कर रहे हैं जब अपने स्कूल जाते हैं बहुत टाइम बाद। सो होप करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगने वाली है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अपनी स्कूल लाइफ की मेमोरीज को कमेंट में ड्रॉप जरूर कर देना, इससे हमें भी, मैं पढ़ूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं फर्दर कभी ब्लॉग्स में। पूरी वीडियो जरूर देखना। कैमराज लगा दिए गए हैं कि लोगों की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सके, और ये हमारा गेट है, मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए फुल व्यू है इसका, पुरानी यादें, ये सारी पेंटिंग्स, और ये हमारा स्वच्छता सूची, हमारे सारे टॉपर्स की, ये देखिए हमारी पेंटिंग आर्ट सर ने बनाई थी, बहुत अच्छे बनाते हैं। फिर ये भी श्रेष्ठता सूची क्लास 10th, और उसके बाद ये पेंटिंग्स, फिर देखिए पेंटिंग्स देखिए आप हमारे आर्ट सर की, वाह क्या क्रिएटिविटी है। उसके बाद ये हमारी टीचर्स की लिस्ट पूरी, उसके बाद ये देख लीजिए, फिर ये थॉट्स, ये घड़ी हम लोग बहुत मिस करेंगे क्योंकि ये इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये देखिए ये 2015 के बाद से टॉपर्स के नाम ही नहीं लिखे गए 12th में, हमारा नाम आने वाला था 2017 में, लेकिन नाम ही नहीं लिखे जा रहे थे, तो हमने सोचा छोड़ो क्या फ़ायदा टॉप करके। ये देखिए ये पूरा हमारा एकेडमिक ग्राउंड है जहाँ पे हमारी असेंबली वगैरह होती है, और यहीं पे हम लोग बैठते थे 12th में स्टडीज करने के लिए। ये हम लोग की फेवरेट प्लेस है, नहीं स्टडी की नहीं, वो बात अलग, सही है। और कल्लू कालिया की तो बात ही मत करो, तो पढ़ा ही नहीं था लड़का। उसके बाद देखते हैं और कहाँ कहाँ बैठते हैं, हमें बताएंगे विवेक गुप्ता कुछ यहाँ से रिलेटेड चीजें, जानकारी, ये कुछ याद है खास जगह जहाँ पर लोगों ने अपने बड़े जरूरी क्षण बिताए हैं, उधर दिखा दीजिए पीटी रूम। अरे भाई पीटी रूम, वहाँ पे लोगों ने अपनी लाइफ नहीं हो पे अपनी दंत कथाएं और प्रेम कथाएं लिखी हैं, तो वहाँ पे हमने पंखे भी मोड़े हैं। और एक हमारा यहाँ पे संगीत कक्ष है, वहाँ पर हम, मेरा एक अच्छा करियर बीता है, करियर जिंदगी का आधा हिस्सा पूरा करियर वही बीत गया है, पूरे 7 साल इन्होंने, 7 साल मैंने वही म्यूजिक रूम में ही बजाया है, बहुत सारी चीजें बजाई हमने, क्या बजाया, ओ भाई। हाँ जी गाइस देखिए ये हमारे मित्र जिनके साथ हम घूमने आए हैं, और ये हमारा दोस्त है, ये थोड़ा काला है लेकिन आप इग्नोर करना, नहीं काला नहीं है, बहुत काला है ना, फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर लगा रखे हैं, देख रहा इतना अच्छा तो फोटो आ रहा है, देखो चश्मा हटा, वही तो फिल्टर लगा रखा है मैंने, और यहां पर भाई एक बार मुझे भी चश्मा दिया जाए प्लीज, थैंक यू, वीडियो ना बंद कर दियो बे, ओ भाई मलूक, ओ भाई अक्षय कुमार नहीं लग रहा वो वाला, ओ वो जब पैसे देने आता है क्यों आज वाले आता है, क्यों खड़ा होता है ना बहुत शानदार बेचती यहाँ पर लायक। ये हमारी जगह असेंबली में जहाँ हम लोग पीछे बैठ जाते थे, बीच असेंबली में चलते हुए टीचर्स को सामने से पता नहीं चलता था कि यहाँ कोई बैठा हुआ है चुपचाप, उस
उसके बाद ये भाई साहब खड़े होते थे सदा, हम पीछे खड़े होते थे, वो तो अलग बात है, पीछे खड़े होते थे, हाइट होती थी, हाइट भी ऐसी बात थोड़ी, हाइट नहीं है ये, अब हो गई है, पहले तो हम छोटे थे, फिर पहले छोटे थे तो सब में बड़े थे ना जो उस टाइम, हमारा बहुत नाम था लड़के इधर महिलाओं को देखने में, ये भाई साहब यहाँ गर्ल्स खड़ी होती थी, वो खड़ा हुआ है ना डंडा, फिर हमारी स्टेज थी वहाँ से टीचर्स देखते थे, लेकिन हम लोग दिखते नहीं थे, यहाँ पे खड़े होके जब बैठ जाते थे चुपचाप, उसके बाद फिर ये हमारा रेस्ट रूम था, ये इधर का रेस्ट रूम, ये हमारा छोटा मोटा रेस्ट रूम था, यहाँ पे हम लोग आराम करते, लौंडे बोलते थे कि गिर के तू दिखा, मैं तुझे जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो यहाँ पर जब असेंबली होती थी ना, तो बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती थी, लड़के जिनकी आदत पड़ी होती थी वो बोलते थे कि भाई यार ऐसा कर, मैं गिर जाता हूँ यार, एक भरोसा ले ले यार, बस हमारे रूम तक पहुँचा दियो, बाकी तो मतलब यही रहेगा। और यहाँ पर बाकी गिरने होने का नाटक बहुत हुआ करता था, स्पेशली मैं, भाई साहब विवेक गुप्ता हमें उठाते थे और हम लेके जाते थे, हम गिरते थे, मतलब खाने बजाने में बहुत आज तक मेहनत किया हूँ, बाल सुबह का नाश्ता मिस करता बाल का, भाई साहब नाश्ता तो बहुत मिस किया गुरु, 10 मिनट में तैयार होकर नाश्ता, पास्ता पसंद था नाश्ता छूट जाता था, भाई साहब राइमिंग कर दी लौंडों ने, वाह ये हमारा संगणक कक्ष, इसके अंदर कुछ बहुत पुराने बाबा आदम जमाने के कंप्यूटर्स लगे हुए थे और एक टूटी फूटी एसी लगी हुई थी, अब तो बंद है, उसके चक्कर में कि इन्होंने एंटीना लगा दिया, पता नहीं किस बात का क्या कैच करता है, बस लगा दिया, ठीक है अच्छी बात है, नाम का ही एंटीना है भाई, चलता नहीं है, ओ भाई इसमें तो पाइप भी आई हुई है, देखियो पाइप भी आई है, अरे भैया ये वाला 10th V, ये हम लोग इसमें हम 10th में बैठते थे, ठीक है, मैं एक सीसा टूटा यहाँ से आपको व्यू देता हूं, अरे आप पागल है, ये जो सीट थी मेरी थी पीछे से सेकंड सीट, अरे अबे दूसरी वाली सीट पे बैठा था यार, सेकंड सीट पे पीछे से उस साइड में बैठा था, अब ये जो लास्ट वाली सीट है ना, यहाँ हमारे क्लास का आशीष मिश्रा बैठता था, उस बंदे ने 4 सीटें तोड़ी इस क्लास में बैठ के, भाई साहब अलग लेवल का, उसने एक बिट तोड़ दिया वो तो बहुत हैवी ड्राइवर है भाई। और गाइस मैं खड़ा हूँ ये अपने MI रूम के बाहर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने दवाई ली है, इसमें तो ताला पड़ा हुआ है हमारा, जितने बीमार होते थे उस दिन पूरा दिन इसी के अंदर गुजरता था, इसमें सोते थे, बिस्किट खाते थे, सबसे पहली बिस्किट प्यार से मिलते थे वो, और 4 बार हाल पूछने आते थे सब लोग, बड़ी खुशी मिलती थी। और अगर आप केमिक टेस्ट पीछे देखेंगे, ये वाटर कूलर, ये बूढ़ा हो गया स्कूल की, स्कूल की आधी लव स्टोरी में वाटर कूलर शुरू होती थी, यही लड़की पानी पीने आती थी और पाल पीछा करके आता था। अरे भाई ऐसे मत बोलो यार, मैं कुछ नहीं करने आता था, ये भाई साहब ये तो बूढ़ा हो गया, क्या बताया जाए, ये गेट भाई साहब, ये गेट जीवन में नहीं खुला, ये कब खुलता था मैं आपको बताऊं ना, सूखा वो यहां से निकल जाता है, सूखा, अरे कुशल भैया, कुशल इतना पतला सा, इतना सा, हाँ इतना सा ही आदमी था वो 11th में था, इससे निकल जाता था, 11th में था, और इस गेट से यहाँ से आप समझ सकते, इतनी ग्रिल टूटी हुई दो काली, इसमें से निकल जाता था, और ये हमारा हॉस्टल है पूरा, आप देख सकते हैं, ये गेट हमारा सुबह 8 बजे खुलता था, जब हमारी असेंबली होती थी वहाँ से हम निकल के आते थे, बस ये गेट बंद, फिर उसके बाद ये नहीं खुलना पूरा दिन, और ये चाय पीने के बाद ग्लास धुलते है, वॉइस टॉयलेट है ये, और उसके बाद ये जाके उधर लास्ट में आपका म्यूजिक रूम, फिजिक्स लैब, बायो लैब और सारी केमिस्ट्री लैब वगैरह आगे जाके हैं, तो मैं आपको वहाँ भी घुमा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, इधर हमारा PT रूम भी है, आर्ट रूम भी है, काफ़ी अच्छा समय बिताया हमने यहाँ पे, जीवन के 7 साल यार बहुत होते हैं कैसे गुजारे हैं हमसे पूछो, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा क्रीड़ा कक्ष, यहाँ पर हमें जिम वगैरह लगा रखा था उन्होंने, और ये हमारा आर्ट रूम है, इसके अंदर हम आए तो कभी है नहीं आर्ट वार्ट बनाने, बट हाँ था, यहाँ को सामान वामान मिल जाता था, कैमरे लगा दिए हर जगह, स्पेशली देखिए इस जगह पे सबसे अच्छा स्पॉट था ये हमारा हिडन करने, लेकिन यहाँ तो साला कैमरा लगा दिया, क्या ही बताया जाए। पेश है आपके पास विवेक गुप्ता और सत्येंद्र राज की आवाज़ में एक बहुत सुंदर गीत, ये हमारे क्लास के बहुत ही हमारे क्लास के होनहार छठे हुए गायक, चलो शुरू हो जाओ। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर दफा ढूंढे तुझे बेवजह,
ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। यहीं पे हो राते यहीं पे सवेरे आवारगी यही साथ मेरे ठहर जा रहे हो गया है ये मेरा ये मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी दरा। ये हमारी स्मार्ट क्लास। भाई साहब यहाँ क्या रखे हैं, अंदर बहुत सारे सिस्टम्स रखे हुए हैं और हमारी स्मार्ट क्लास ये स्मार्ट क्लास है, इसमें वाईफाई लगा था सबसे बड़ी जरूरी चीज। हम स्कूल टाइम पे भाई साहब वाईफाई का हमने पासवर्ड हैक किया। वी वर नॉट क्योंकि हमें तो यहाँ भाई साहब आने नहीं दिया जाता था। आने भी दिया जाता था, हम गेम खेलने निकाल लेते थे। गेम खेलने में हमें तो सिस्टम का पासवर्ड ही नहीं पता होता था। हमारी पेंटिंग्स आर्ट सर ने बनाई है, बहुत अच्छी बहुत प्यारी पेंटिंग बनाते हैं सर। हैट्स ऑफ सर, आपको हम प्रणाम करते हैं आपकी आर्ट के लिए। भगवान आपकी आर्ट ऐसे ही रखे। और ये देखिए क्या क्या पेंटिंग्स हैं। ये हमारा नोटिस बोर्ड, सबसे बुरी खबर यहीं से आती थी, रिजल्ट या कुछ भी हो सब कुछ यहीं से आता था। और ये हमारा एक स्वस्थ चिंतन, ये है हमारा स्टाफ रूम, नीचे समझ रहे हैं आप उड़िया में लिखा है अध्यापक कक्ष। और ये स्टाफ रूम हमारा खुला हुआ है, चलिए आपको घुमाते हैं। बस यही है, यहाँ से हर टीचर की अलमारी रखी हुई है और ये चार पाँच पंखे लगे हुए और ये टेबल्स हैं। यहाँ बैठ के टीचर्स अपनी गपशप या रेस्ट करते थे, बाकी चाय वाय आराम से मिलती रहती थी। अच्छा है, आप घूमिए एक बार, बहुत अच्छा लगेगा आपका स्कूल। ये हमारा प्रिंसिपल क्वार्टर, यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल जो भी होता है वो रहता है। यहाँ पे बहुत अच्छा बना रखा है, देखिए कितना अच्छा गार्डन चारों तरफ है, आप देख सकते हैं। ये आम का पेड़ हो, ये अमरूद अमरूद, और ये प्रिंसिपल का क्वार्टर है जो भी है। यहाँ पर हमने बहुत डांट खाई है टीवी चलाने की। अरे भैया यहाँ से तो हमने खीर भी खाई है प्रिंसिपल के हाथों की बनी हुई। अरे भाई वो तो अपने जलवे, वो तो अलग एक सीन था, उसका भी बताएंगे कभी। और ये देखिए पूरा ये प्रिंसिपल क्वार्टर है, उसके आगे ये वाइस प्रिंसिपल क्वार्टर भी है। ये बाकायदा भी प्रिंसिपल क्वार्टर का ही चल रहा है, बहुत अच्छा व्यू आता है। और ये इसके पीछे जस्ट पीछे गर्ल्स हॉस्टल है, ये देखिए ये गर्ल्स हॉस्टल इधर बना हुआ है, इसके साइड में इधर मेस बनी हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम जा रहे हैं टीचर्स क्वार्टर की तरफ। ये हमारा देखिए ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये उसके सामने बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, खेलती कभी नहीं थी गर्ल्स यहाँ पे। और उसके बाद ये बना हुआ है आपका प्लेग्राउंड, ये हमारा प्लेग्राउंड है। और ये सारे हमारे टीचर्स क्वार्टर बने हुए हैं, यहाँ पे हमारे सारे टीचर्स रहते हैं। मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ एक एक करके सारे टीचर्स। अब इस टाइम तो टीचर्स सारे छुट्टी पे हैं बट। और अब हम लोग जा रहे हैं टीचर्स क्वार्टर की तरफ, एक सर हैं हमारे जीएन पाल सर, उनसे मिलने, क्योंकि वही हमारे टाइम पे थे। बाकी अब तो नया स्टाफ पूरा बदल गया तो हमें पता नहीं कौन है, बट हाँ वो जानते हैं हम लोग को। मिलते हैं उनसे, देखते हैं कि नहीं है, देखते हैं आपको बताते हैं, मिलते हैं आपको। ये है हमारे सारे टीचर्स क्वार्टर्स, और अब हम लोग अपने टीचर्स से मिलके वापस जा रहे हैं। ये टीचर्स कॉलोनी, ये सारे देखिए ये टीचर्स क्वार्टर हैं हमारे। ये पापड़ सुख रहे हैं, ये यहाँ ये देखिए पूरे टीचर्स क्वार्टर हैं, यहाँ हमारे सारे टीचर्स रहते थे। भाई साहब हमारा सारी मेमोरीज अलाइव हो गई पूरी तरीके से, कि कौन से टीचर किससे किससे मिले हम लोग। नेक्स्ट वन से मिले बहुत देर तक बातें हुई।
डॉक्टर से मिले और नए वाले सर म्यूजिक सर से मिले। म्यूजिक सर बहुत ही हम्बल सर हैं। अच्छा मजा आया मिलकर सबसे। बाकी अगर सारा स्टाफ होता सर हमें तो फुल ही मजा आ जाता यार। बहुत नाम कमाया हमने उनके सामने बहुत। ये लड़का VHMS कर रहा है अलाहाबाद वाह। ये रोड नहीं बन रही कभी भाई साहब। ये हमारे तब भी टूटी थी और ये आज भी टूटी है स्टाफ क्वार्टर्स तक की। और ये वाइस प्रिंसिपल क्वार्टर है हमारा छोटा सा। वैसे गेस्ट रूम बना गया दिया गया था हमारे टाइम पे क्योंकि वाइस प्रिंसिपल इधर टीचर्स क्वार्टर में रहते थे। ये हमारी एकेडमिक बिल्डिंग और ये हम गर्ल्स हॉस्टल वाले रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ हमारी गर्ल्स जाती थी। ये देखिए ये इधर इनका गर्ल्स हॉस्टल है। ये हमारी 12th क्लास है जहाँ पे हमने 12th अपना पूरा गुजारा है। अभी तो बंद है पूरी तरीके से क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है बट हाँ ये इससे हमारी बहुत मेमोरी जुड़ी। रात रात के 10-11 बजे तक हमने यहाँ पे स्टडीज़ करी हैं कभी कभी तो 2-2 बजे तक भी। और ये खिड़की जो है ना ये बहुत स्पेशल खिड़की है क्योंकि यहाँ से लोगों का चॉकलेट का आदान प्रदान होता था आप समझ सकते हैं। ये सारी क्लासेस हैं यहाँ से बाहर का व्यू आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा। ये देखिए ये सारे पेड़ जो हमने लगाए थे 2010-11 में ये सारे पेड़ हमने लगाए थे ये देखिए कितने बड़े हो गए और आज हम लोग छोटू रह गए। सारे के सारे बच्चे देखो ये सब ये हमारे लोगों के ही बच्चे हैं पेड़। ये देखिए भाई साहब पेड़ हम लोग हमने लगाए थे सारे 6 में और ये अब देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये आसमान की ऊंचाई छूते हुए हैं ये बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों को छू गया और कल्लू हमारा कितना सा रह गया इतने बड़े बड़े पेड़। और ये आसमान की ऊंचाई देखिए आपकी कुछ स्पेशल कमेंट ये वो टंकी है जहाँ पे हम लोग होली मनाया करते थे होली के बाद ये पीछे हल्की छोटी सी लगी है ये हमारा। और ये वाला प्लेस जो है ना ये बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोगों ने ना उसका स्पॉट जो है यहाँ से हम लोगों का पहला बैच था जो डीजे लगाया 12th में हम लोगों ने बाउंड्री से कंधे पे डीजे ला के यहाँ बजाया था और प्रिंसिपल मैम ने जब्त कर लिया बहुत। ये मैं सर भाई साहब यहीं से हम लोग थाली में पानी लेके आते थे इस पेड़ हमारी होटल से छूने से सदैव वंचित रहा। ये वाला पेड़ जो है ना ये पेड़ मेरा है भाई ये पेड़ मैंने लगाया था गर्व से कह सकता हूँ क्योंकि इसको मैंने पानी बहुत पिलाया है। और ये पूरा बॉयज हॉस्टल है इसके पीछे का ये सीन है ये पूरा अब तो जंगल सा हो रहा है। उसके बाद ये देखिए पावर हाउस है छोटा सा ये इन्होंने जनरेटर लगा रखा है यहाँ से जब लाइट जाती थी तो फिर हम लोग चिल्लाने आते थे जनरेटर चलाने के लिए। और ये इधर टंकी अब तो दिख भी नहीं रही है नया बनाया रैंप जो है हमारे स्कूल से आने से पहले ये देखिए इन्होंने रैंप बना दिया पूरा। ये है हमारा प्लेग्राउंड इतना बड़ा बिग भाई साहब कभी नहीं कहीं नहीं मिला लग रहा ना एकदम मलुक सा। ये पूरा फुटबॉल ग्राउंड के लिए सबसे ज्यादा देखा जाए तो ये कलुआ बीच में आ जा रहा है काले आदमी हट जा लग रहा ना भी और देखा जाए तो ये उदयगिरी के लिए सबसे ज्यादा लकी ग्राउंड है जो कि कभी हम लोग हारे नहीं यहाँ पे। ये है हमारे उदयगिरी वालों के लिए स्पेशल क्योंकि यहाँ पे हमने कितने टूर्नामेंट जीते हैं भाई साहब जब से हमने नवोदय में एंट्री ली है बस एक बार हारे थे। कौन सी क्लास थी वो 11th क्लास 11th क्लास में हम लोग हार गए थे बाकी बाकायदा हमने 7 साल में 6 साल टूर्नामेंट जीता है इस ग्राउंड उससे पहले भी उन लोगों ने मैचेस जीते थे। और फिर मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ की सबसे विशालकाय चीज से ये है टंकी ये हमारी मेमोरी उससे बहुत जुड़ी हुई है क्योंकि रात के 12-12 बजे हम बैठ के यहाँ पे हमने बातें करी हैं कुछ ऐसे ऐसे कांड किए हैं जो हम बता नहीं सकते बट हाँ बहुत मेमोरी से जुड़ी हुई है क्योंकि जब हम लोग घर से आते थे ना तो ये इधर से इधर रोड है मेन उधर से हम लोग लखीमपुर से आते थे तो जहाँ से ये टंकी दिख जाती थी ना बस हमारा दिल धक से करता था कि यार आ गए। लेकिन अब यार बहुत याद आती इन चीज़ों की। ये जो है हमारा प्लेग्राउंड है जहाँ पे हमने एक बार याद है हम लोगों को बारिश हो रही थी हमने एक बार नहीं हर बारिश में आते थे एक बार नहीं मतलब हर बारिश में उन्होंने खेला है हम लोगों ने यहाँ पे एक बारिश बहुत स्पेशल है एक बारिश बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक बार बारिश हो रही थी तो हमने फुटबॉल खेला कम से कम 2 घंटे बारिश बराबर चल रही हम फुटबॉल खेल रहे थे। फिर हमारे मैच सर थे मैच सर ने जूम करके अपने कैमरे से जूम करके उनके पास टेलीस्कोप थी टेलीस्कोप से उन्होंने जूम किया फिर क्लास में एक एक को जो धोया और दिखाया फोटो दिखा दिया के धोया फोटो दिखा दिखा के धोया भाई साहब
एक और कहानी आपको बताता हूँ। जब हम लोग स्कूल टाइम पे क्लस्टर्स होते थे मींस गेम्स के, तो मेस में हम लोग का जैसे खाना रहता था, उन लोगों का मेस में जो क्लस्टर्स वाले होते थे तो क्या होता था कि हम लोगों को अलाउड रहता था कि आप खाना हॉस्टल ले जाके खाओ। लेकिन हम पता नहीं क्या दिमाग में आती थी कि यार नहीं हॉस्टल नहीं खाएंगे, हॉस्टल अब तो अलाउड है, मज़ा नहीं आएगा। तो खाना लेके आते थे इस टंकी के पास, यहाँ ये जगह जो है ना, इस जगह पे बैठ के आराम से घंटों बातें और खाना। बहुत जगह मिस करते हैं, ये क्या है यहाँ पे टैंक है शायद पानी का, बट बहुत खाया खाना हमने यहाँ पे जब क्लस्टर्स होते थे। और जब जो जब मेस में बैठ के खाना होता था खाना, तो हम लोग लेके हाउस में जाते थे, और जब मेस में होता था तो हॉस्टल जाते थे, और जब हॉस्टल अलाउ हो गया तो यहाँ आते थे। मेस में नहीं खाना है ना, हॉस्टल खाना है, जहाँ अलाउड है नहीं मानना है। बस यही था जो है, ये हमारा प्यारा सा ग्राउंड, ये बड़ा सा मुझे बहुत ही बड़ा यार। ये देखिए हमारा ट्रैक बना हुआ है 400 मीटर का पूरा, यहाँ इसके चारों तरफ वही ग्राउंड है जहाँ पे एक बड़े लड़के ने मेरा फोटो खींचा है। ये बड़ा ही मेड अ सेंचुरी, अरे भाई साहब 2020 मैच था क्या था, 14 ओवर्स का मैच था, लड़के ने 100 मारे थे भाई साहब, 102 रन मस्त 10 छक्के नीलगिरी वाले, जिनमें मेरे याद रखेंगे एक ही उनकी टी शर्ट थी हरी वाली। ओ भाई और ये हमारे मेस से पीछे का गेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा खाना बनता था यहीं से, वो था हमारे कैटरिंग सर का रूम, जहाँ से हम लोग पता नहीं क्या क्या चुरा के खाया है, दूध स्पेशली बहुत ज़्यादा दूध पिया है यहाँ का हमने, पैकेट वाला दूध आता था लेकिन हमने बहुत पिया है। और बाकी कैमरे लगा रखे हैं यहाँ भी, देखिए एक छोटा सा कैमरा लगा रखा है कि यहाँ कोई आएगा तो दिखेगा हम भी रिकॉर्ड हो रहे होंगे, हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हॉस्टल की तरफ, क्योंकि ये देखिए ये है हमारा हॉस्टल, ये था हमारा कौन सा हॉस्टल, जूनियर हॉस्टल, बाद में बना था, पहले नीलगिरी था, ये पहले नीलगिरी था, यहाँ से लंबे लौंडे छक्के मारते थे वहाँ अंदर तक के लिए बहुत। ये देखिए हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड था पीछे, यहाँ पे हमने बास्केटबॉल बहुत खेले हैं, मैंने तो बहुत टैटू बनवाए हैं बास्केटबॉल पे गिर गिर के, और बारिश में खेलते थे। और उसके बाद ये जो पट्टी है ना, उससे हमने बहुत क्रिकेट खेला बहुत। और मैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, यहाँ पे 4 हाउस रहते हैं, अरावली नीलगिरी शिवालिक उदयगिरी, उसके जूनियर्स भी होते हैं, मीन्स अरावली जूनियर उदयगिरी जूनियर, हर एक के जूनियर्स होते हैं। और ये भारत सरकार द्वारा एक 1986 में राजीव गांधी द्वारा एक बिल पास किया गया था, जिसमें कि हमारे देश में शायद 500 अप्रॉक्स जवाहर नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में खोले गए थे, जिसमें कि आपका देख सकते हैं कि शायद 75% ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, 25% शहरी क्षेत्र के बच्चों को आपका वो दिया जाता था वेटेज की आप पढ़िए आगे, और ये फुली फ्री सर्विस है, मनी मीन्स आपका हर बच्चा फ्री सर्विस पढ़ेगा, फ्री पढ़ेगा आपका साथ साथ, बहुत तो क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। और 12 तक अब तो फीस शायद बढ़ गई, पहले थी जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम पे फीस 200 रुपये पर मंथ क्लास 9 से 12 तक, उसके बाद जनरल बॉयज की शायद अब बढ़ गई है फीस, क्योंकि वो भी मेरा हॉस्टल था इसके पीछे था, ऊपर रहता था मैं 12th क्लास में, और 6th, 7th, 3rd क्लास इस हॉस्टल में रहा हूँ, खुला है ये, खुला है, चलते हैं अभी देखता हूँ क्या है। हमारे टाइम पे ये होल्डिंग हाउस हुआ करता था, इसको होल्डिंग हाउस बोलते थे हम लोग, और बाद में यहाँ पे एक ये इधर जो बिल्डिंग बनाई गई है, एक ये नई बिल्डिंग बनाई गई है, क्योंकि हम लोग के टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हाफ था हाफ, यहाँ पे ये यहीं पे हम लोग क्रिकेट पट्टी पे खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। पीटी सर हम लोगों को बहुत इस चीज़ को लेके परेशान किए, ये पेड़ इसका लगाया हुआ देख लीजिए, पेड़ देखिए कितना बड़ा हो गया, और ये बच्चा। ये अरावली पा सीनियर हॉस्टल, और ये वहाँ पे हमको दिखाते हैं कैरम रखा हुआ है, और इसके बीच में ये हमारी बागवानी होती थी, ये हॉस्टल्स के अंदर का व्यू है, जहाँ पे हम अब अंदर का बेड्स तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि बंद पड़ा है, बट हाँ यहाँ पे हमने बहुत सारा बैडमिंटन खेला है। ये फूल देख के मुझे भी, पेड़ देख के मुझे एक पोएम याद आ गई केमिस्ट्री सर की, आप ये फूल जो देख रहे हैं सामने इसको देख के मुझे केमिस्ट्री की पोएम याद आ गई, ये अरावली हाउस हुआ बाद में बन गया था, तो इसके बच्चों ने जो है प्रिंसिपल के क्वार्टर से फूल ला के पेड़ ला के लगाया था, ये प्रिंसिपल क्वार्टर से फूल चुरा के लाए गए थे, और प्रिंसिपल वहाँ पे डांट रही थी, तभी तो केमिस्ट्री सर आए, वो बहुत ही अपने अनोखे अंदाज बोले मेरे संज्ञान में आया है
बच्चों ने पौधे चुराया है। सब बच्चे हंसने लगे, प्रिंसिपल का मुंह बन गया। सो सैड। हैंडबॉल ग्राउंड है जहाँ पे मैं अक्सर हैंडबॉल खेलता रहता था। मैंने क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल तक खेला है हैंडबॉल, लेकिन अब हमारे कॉलेज में मिला ही नहीं, हमें क्या करें। ये हमारे विधायक जी का मकान है जहाँ पे हम लोग खाने जाते थे, कभी कोई पार्टी हुई हमेशा खाने पहुँच जाते थे। ये हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे हमने बहुत टैटू बनवाए हैं अपने शरीर पे और फोड़ फोड़ के, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा लगता था यार खेलते दिनों। ये हमारा मैथ्स का वो एक गार्डन है जहाँ पे हमारे सारी चीज़ें बनाई गई हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये सिलेंडर है और ये पता नहीं क्या है, ट्रायंगल इस पर बनाया गया, ये एक आदमी खड़ा किया गया है और ये एक ट्रायंगल बनाया गया, कौन सा आधार जुड़े ऊंचाई लिख रहा है उस पर। ये सारा मैथ्स गार्डन था आपका, बहुत अच्छा भी था, काफ़ी बड़ा स्कूल है हमारा, 54 एकर्स में बना हुआ है, बहुत स्पेस। विद्यालय परिसर में शस्त्र लाना सख्त मना, देखिए यहाँ कौन लेके आता था पता नहीं। ये हमारा वेटिंग रूम है, यहाँ पे आप आए वेटिंग करें, पहले ये नहीं था लेकिन अब बन गया है, पेरेंट्स के लिए सही है। धन्यवाद। So that is it for this video guys, hope करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अच्छा शेयर कर देना, अपनी स्कूल लाइफ के किस्से कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर ड्रॉप कर देना। और यार बहुत सारी हमारी भी मेमोरीज रही थी, थोड़ी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, थोड़ी बुरी यादें भी क्रिएट होती हैं स्कूल लाइफ की, काफी खट्टी मीठी यादें आपको इस वीडियो के थ्रू जानने को मिली होंगी और सबकी होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छी भी थोड़ी बुरी भी हो, कुछ ज्यादा भी अच्छी होती है। सो मुझे लगता है आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, स्टे होम।